तो जैसे कि बच्चों इसकी डेफिनेशन हमें सजेस्ट करती है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज व्हाट, विच क्वालिफाइज डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन एंड प्रोनाउन को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे या उसके बारे में कुछ और चीज एक्स्ट्रा बता दे, है ना, बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, साइज, एज, कलर और मटीरियल ऑफ सम ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर व्हाट, यूज्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउन्स। ठीक है, दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन बट दे मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल बाय टेलिंग समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। अकेले यूज नहीं कर सकते आप उनको, आप नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करोगे और उसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें बता के जाएंगे। एग्जाम्पल समझो, गुड, बेटर, स्मॉल, ब्लैक, फैट, ग्रेट, ये सब क्या है? ऑल दीज आर व्हाट, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स टू नो ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, टू नो ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं, हमें क्या करना है इनके बारे में, अभी गेट डिग डीप डाउन, इसमें हमें थोड़ा और डिगर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो आई एट द डिनर, है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है तुम्हें, आई एट द डिनर, मैंने डिनर किया, एंड आई डिड द डिलीशियस डिनर, मैंने कैसा डिनर किया, बहुत ही ज्यादा व्हाट, डिलीशियस। तो ये जो डिलीशियस नाम का वर्ड है ये क्या है, इट इज एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स टू इट। बात समझ में आई, डिलीशियस नाम का जो वर्ड है वो क्या कर रहा है बच्चों, डिलीशियस इज बेसिकली एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू इट, तो डिलीशियस इज व्हाट, एडजेक्टिव। क्लियर यहां तक? यस। अब एक कंडीशन आएगी, देयर विल बी वन मोर कंडीशन यहां पे, कि देयर आर मोर देन वन एडजेक्टिव इफ इनफिनिट सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस हुआ मान लो जिसमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, दे क्वालिफाई और मॉडिफाई द सेम नाउन, देन वी यूजुअली यूज कॉमा, उसके बीच में हम क्या लगाओगे, कॉमा यूज करोगे आप, ठीक है, टू सेपरेट दोस। नो कॉमा आर यूज्ड टू सेपरेट द लास्ट एडजेक्टिव, जैसे किसी सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स आपने दिए तो लास्ट वाले के बाद आप कॉमा नहीं लगाते हैं, है ना, व्हेन द नाउन इट इज क्वालिफाइंग। अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा, वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स टू क्वालिफाई अ नाउन, कितने भी नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए, ठीक है, कोई काउंट नहीं है, बट वी कैन नॉट पुट अनदर वर्ड बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड द नाउन, इट इज क्वालिफाइंग। अब नाउन, जिस नाउन के लिए वो एडजेक्टिव यूज हो रहा है और वो नाउन, उन दोनों के बीच में आप कोई वर्ड और एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, समझ गए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स से आते हैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिले, सो दैट यू गाइस गॉट मोर क्लैरिटी टुवर्ड्स इट। देयर आर मल्टीपल टाइप्स, मेजरली कितने तरीके के एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? अब उसके बारे में वन बाय वन वी विल लर्न, देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सबसे पहला नंबर का आता है आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको क्या बताएगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विल टेल यू काइंड, टाइप और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ये किसी चीज की पर्टिकुलर क्वालिटी किसी इंसान की है, किसी चीज के बारे में बताते हैं हमें, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर बीइंग कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो भगत सिंह कैसे इंसान थे, भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो यहाँ पे ग्रेट क्या हो गया, क्वालिटी, क्वालिटी, तो यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव हो गया। कानपुर इज अ लार्ज सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर कैसा शहर है, कानपुर भाई बड़ा शहर, तो लार्ज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया इसका, ठीक है। तो लार्ज इज बेसिकली व्हाट बोलते हो, लार्ज आपका क्या है, लार्ज यहाँ पे आपका है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप लार्ज के बारे में समझो। अगर मान लेते हैं और चीजों के बारे में, अगर एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, नाउन कितने तरीके की होती है, जैसे आप सब लोग जानते हो, ऑल ऑफ यू पीपल मोस्टली नो, कितने तरीके की नाउन होती है, 5, कौन कौन सी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो फीलिंग्स वगैरह इसमें आ जाती है, ठीक है? यस सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन के साथ यूज होते हैं, विच फॉर्म प्रॉपर नाउन, जनरली क्या बोलते हैं उनको, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी, स्विस वॉचेस, स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर वॉट, बताओ, वॉचेस। स्विस मिलिट्री के तुमने चाकू देखे होंगे, वॉचेस के लिए, नाइफ्स के लिए स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा फेमस है। बात समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर दीज थिंग्स। तो ये इंडियन और यहाँ पे स्विस क्या हो गया, दीज आर व्हाट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इनकी क्वालिटी के बारे में दे आर टेलिंग। नाउ अगले टाइप ऑफ पे हम अगर बच्चों आते हैं, अगला टाइप आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाम से क्या समझ में आ रहा है, व्हाट डू यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम ओनली, कि ये किस बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में। भाई बच्चों क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है बेटा, है ना? तो क्वांटिटी ऑफ थिंग्स यानी कि नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, कितना सामान है, हाउ मच। ये बेसिकली आंसर एक ही चीज का करेगा, किस चीज का, हाउ मच, यानी कितना है, क्या आंसर करेगा ये, हाउ मच, इट विल क्लियरली आंसर हाउ मच। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अगर आपको एग्जांपल देना होगा, इनफ, सम, एनी, हाफ, होल, होल यानी पूरा, मच, लिटिल या ऑल या फिर नो, ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। जैसे क्वांटिटी, एक एग्जांपल आपको दिया हो रहा है, आई नीड सम वाटर, मेरे को कितना पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर, थोड़ा। ही लव्स हर वेरी मच, ठीक है, ही लव्स हर कितना, बहुत ज्यादा, वेरी मच। यू शुड हैव इनफ पेशेंस टू डील विद द थिंग्स, मैं बोलता हूँ ना यूजुअली तुम लोगों को इन द क्लास या अदरवाइज ऑन कॉल जब तुम लोग मेरे से बात करते हो कि हैव पेशेंस, डोंट पैनिक, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम, है ना? तो यू शुड हैव पेशेंस टू डील विद द थिंग्स, कितना, इनफ, बहुत सारा पेशेंस चाहिए आपको। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बैच में जो बच्चे बैक टू बैक एग्जाम पास कर ले रहे हैं, देयर वाटरलू इज व्हाट, क्या है उनका वाटरलू, ठीक है, वो रिटन के लेवल से ऊपर जा चुके हैं, उनका एसएसबी नहीं हो रहा, ठीक है, तो दे आर मोस्टली बॉदर्ड अबाउट एसएसबी वाली चीजें, वे नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिटन की, सर रिटन में क्या करेंगे, रिटन कैसे होगा, ये सब अब उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, एग्जाम पास करना वो लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अगली चीज जो आपकी आती है, पेशेंस होना इसलिए लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं होती हैं बहुत बार, तो तुम्हें उनको अपने फेवर में करना होता है, कैसे, धैर्य के साथ, थोड़ा सा हिम्मत रख के, धैर्य रख के जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएगा किस चीज के बारे में, हाउ मच, कोई चीज कितनी मात्रा में है। नाउ एज पर द नेम सजेस्ट, नंबर थ्री इज एडजेक्टिव ऑफ व्हाट, नंबर, तो ये बेसिकली बताएगा हाउ मैनी, हाउ मच यानी कितना, हाउ मैनी यानी बताओ कितने, कितना, कितने, कितने, कितना या कितने होंगे ना भाई, ठीक है, कितने, एडजेक्टिव तो नहीं, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो सम एग्जांपल्स आर 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, टेंथ, ऑल, है ना। तो जुलाई इज द सेवंथ मंथ ऑफ द ईयर, जुलाई कौन से नंबर का महीना है, सातवें नंबर का महीना है, ऑल ऑफ यू नो इट, हाँ या ना, Yes or no? Yes sir. Yes. Yes sir. July is the seventh month of the year. March is the third month of the year. ये seventh यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? Adjective of number हो गया. India has 29 states. अभी कितने states हैं India के अंदर? बताओ. 29. Okay. सबसे latest union territory कौन सी है? Latest UT. Latest. No. जल्दी. Be quick. अरे यार इतना आसान से सवाल गंडोवान से तुमसे नहीं आंसर होगा, क्या करोगे तुम भी ना, लेटेस्ट यूटी, अरे न्यूज में थी अभी बनाया है, व्हाट इज लेटेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, क्या है बताओ, क्या होगी लेटेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, लद्दाख एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख को क्या बनाया गया है, लेटेस्ट कहाँ है सर, वो तो 31 अक्टूबर 2019 के बने हैं सर, वो तो हाँ, तो उसके बाद थोड़ी ना कोई नया बना है, वही हुआ ना लेटेस्ट, ये बात कोई बना है,
उसके बाद कोई बना दिया नहीं, नहीं बनी ना भाई सर। ले और ले तो लद्दाख में अंतर है क्या? कोई पूरा नाम है उसका ले लद्दाख। लद्दाख में कमा यूनियन टेरिटरी कब बनी? 31 अक्टूबर 19, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 ये बनी थी लद्दाख हमारी सबसे लेटेस्ट, ठीक है ना। अब इसमें दो दो स्टेट्स आते हैं लद्दाख के अंदर, दो सॉरी बेसिकली क्या है, दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अच्छा तू बोल रहा है ना कि सर ले लद्दाख, तो इसमें एक आता है ले और एक आता है क्या, कारगिल। फंडा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ये बोलता हूँ पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा करो क्लास के अलावा भी चीजें, ये थोड़ा ज्ञान वर्धक चीजें पढ़ा करो। ओके, मैंने आई हैव गिवन यू क्लासेस, मैंने तुम्हें क्लासेस दी थी दिन में बहुत सारी, देख ली तुमने, काफी सारे कॉन्टेंट डाला था ग्राफ ग्रुप पे अपने, देखा था ना, काफी सारी वीडियो डाली थी, पूरा दिन प्रोडक्टिव। पूरे दिन में मैं इतनी कंटेंट डाल देता हूँ ग्रुप पे, जहाँ पे तुम्हारा जो मेन ग्रुप है बैच का, कि तुम्हारा एकदम परफॉर्मेंस में नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर तुम उन्हीं को फॉलो करोगे। बहुत कंटेंट था उसमें, कम से कम 20 नंबर का कंटेंट था वो जो आज ग्रुप पे था, कम से कम 20 नंबर का था। सब देख लेना भाई जिसने नहीं देखा। गेट बैक टू द वर्क नाउ, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, समझ गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर के बारे में बात करेगा, ठीक है। बीच में एक थोड़ी सी जीके की बाइट मैंने तुम्हें दे दी, आगे चलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? द एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेट और डिनोट अ पर्सन और अ थिंग दिस इज बीन टॉक्ड अबाउट आर डेमोंस्ट्रेटिव, यानी कि जिस क्या डेमोंस्ट्रेट करेगा या डिनोट करेगा उस इंसान को या चीज को जिसके बारे में बात करी जा रही, यानी कि आंसर करेगा। डेमोंस्ट्रेटिव का अगर तुम्हें पता लगाना है तो सिंपल सा विच याद रखो, विच यानी आंसर क्या करेगा, कौन सा, विच माने क्या होता है, कौन सा। तो सम एग्जांपल्स अगर ले लें, कौन से किसके बारे में आते हैं, दिस दैट दीज दोज, है ना, सिंगुलर में तो दिस दैट हो गए, दीज दोज हो गए, प्लूरल में, ये सारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, बताया था यूपीएससी सर, यूपीएससी के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था ये दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एडजेक्टिव, आज रात में यूट्यूब पे जाएगी, तो उसमें मैं ये इंसिडेंट डेफिनेटली आई ट्राई टू ऐड, मैं ऐड करना चाहूंगा। एक बच्चा था, जो नए बच्चे उन्होंने शायद ये नया इंस्टेंस सुना हो, जैसे 30 सेकंड का है, एक बच्चा था यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा था मेल, और उसके रुमाल, जो रुमाल होता है ना हैंकी जो होता है हैंकी, वो पॉकेट से निकल रहा था थोड़ा सा। क्या होता है जब आप नर्वस होते हो, तो हमारे जब रुमाल होता है हम क्या करते हैं, मुंह पूछ लेते हैं उसे फट 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 फट, है ना। अब जल्दी जल्दी में उस बच्चे ने रुमाल घुसा लिया, जैसे घुसेड़ लिया जेब के अंदर, पर वो थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर निकला हुआ था। And then he entered into the room and वहाँ पे पैनल बैठा हुआ था पूरा यूपीएससी का, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जो रहते हैं उनके, इंटरव्यू पैनल वाले लोग थे, ठीक है। तो किसी ने नोटिस कर लिया कि ये बच्चा बाहर था, तो इसने मुंह पोंछा, उसने रुमाल अच्छे से अंदर नहीं डाला, नहीं तो आप अपना रुमाल कैसे करोगे, आप लोगे रुमाल को फोल्ड करोगे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, देन ही पुट इट इन साइड योर पॉकेट। उसने जल्दी जल्दी में घुसेड़ लिया, उसे क्या था, वो नर्वस तो था ही, तो ये चीजें हो गई भाई। तो वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड हिम, What is that, Vineet? Let us suppose the person का नाम था Vineet. So what is that, Vineet? तो उस that person was so वो हाजिर जवाब लड़का था, उसने आंसर दिया that is a demonstrative adjective sir. क्या है वो? That is क्या? Demonstrative adjective. That is a demonstrative adjective sir. ठीक है. तो एक live example था, recent years का ये एक example जो काफी जगह और नरेट किया है मैंने, तो ये था। तो दैट क्या आता है? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट इज अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब आप इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। तो दैट का अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, दैट का प्लूरल क्या बन जाएगा बताओ, दोस। दिस का क्या बन जाएगा, दीस। तो दिस गर्ल इज टैलेंटेड, यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद सच पीपल, है ना। आई लव दीस ड्रेसेस, यहाँ पे विच के बारे में आंसर हो रहा है, सॉरी, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सारे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पूछेगा दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए है क्या चीज। अब आता है पांचवा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बच्चों पांचवा क्या आता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हेन देयर इज अ नाउन जस्ट आफ्टर इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हिच एंड हूज, ये तीन वर्ड्स जो है, जैसे व्हाट, व्हिच एंड हूज, इनके बाद क्या आता है, नाउन, just immediately after them. So which dress should I wear? Whose book is this? What type of shows do you like? है ना?
इनको क्या, इनके बाद क्या लगा हो गया? इंट्रोगेटिव आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में, बात समझ में आ रही है? तो व्हाट व्हिच एंड हुज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, यू नो दीज आर टर्म्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जब इन सब के बाद एक नाउन लगेगा। यहाँ पे ये ड्रेस नाउन है, बुक नाउन है और सोर्स नाउन है, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव। अब आने बच्चों डिग्री, बेटा देखो तीन तरीके की डिग्री होती है, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई टेल यू कैसे तुम उसको कंपेयर करोगे, देन आई टेल यू कॉमन रूल्स एंड मिस्टेक्स जो आपके एडजेक्टिव्स में आपसे होंगे, ठीक है? तो जो डिग्री होती है बच्चों, देयर आर तीन तरीके की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, बेसिक फॉर्म, है ना, बेसिक फॉर्म जो एक्सप्रेस करती है बेस फॉर्म ऑफ, सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स, व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, व्हेन यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स, ये आपका क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, है ना। इट्स ऑल द हायर डिग्री देन दैट ऑफ द प्रेजेंट इन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से एक लेवल ऊपर की कहानी है, वहां पे सिंगल था, पॉजिटिवली बात हो रही थी, यहाँ पे दो लोग हो गए, उनके ऊपर की बात हो गई, तो उससे थोड़ा सा ऊपर है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय सुपरलेटिव डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री है किसकी? एडजेक्टिव की। तो तीन डिग्री होती है ना एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट, यानी सुपीरियरिटी अमंग मोर देन टू टाइप ऑफ पीपल। जब दो लोगों के बारे में बात होगा तो कौन सी डिग्री यूज करोगे? कंपैरेटिव। कंपैरिजन करते हैं आपके मम्मी पापा, सबके पेरेंट्स करते हैं कंपैरिजन करते हैं, मम्मी पापा तेरे नंबर उससे कम कैसे yes, आए, तेरे नंबर शर्मा जी के लड़के से कम कैसे आए, वर्मा जी के लड़के से कम क्या है, उनका लड़का ये करता है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम नालायक हो। तो दे आर कंपेयरिंग यू विथ सम अदर पर्सन, है ना। एंड देन जब वो बोले तो मैं, तुम पूरी क्लास में सबसे रद्दी स्टूडेंट हो, तुम कौन सी डिग्री में आ गए? फिर सुपरलेटिव, यानी वही आते एकदम, ठीक है, यू आर यूजलेस काइंड ऑफ। तो सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री बेसिकली, व्हिच एक्सप्रेसेस द सुपीरियरिटी अमंग मोर देन टू पीपल ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, ये बच्चों किस तरीके की डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, हाँ या ना? यस सर। ओके, रिया इज स्मार्टर देन प्रीति, ये कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव। यहाँ पे दो लोगों के बीच में आप कंपेरिजन करते रहे हो। अब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, रिया इज द स्मार्टेस्ट, ये कैसी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव हो गया। तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्लियर हो रहा है डिग्री? यस क्लियर। याद रखना है, यस सर, ये क्वेश्चन घुमा देगा पेपर में अगर तुम भूल गए तो। तीन डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी नॉर्मल, अच्छा खासा सेंटेंस है, पॉजिटिव फॉर्म दे रहा है। दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो कंपैरेटिव में चले जाएंगे, दो से ज्यादा लोगों के बाद में बात हो रही है तो सुपरलेटिव। अब आते हैं हम लोग कॉमन मिस्टेक्स की तरफ, जो बच्चे मेजरली आप लोग करोगे। पहला रूल बच्चों बोलता है, वी यूज एडजेक्टिव विद अ वर्ब एंड सम वर्ब के साथ एडजेक्टिव यूज करेंगे व्हेन सम क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस। वी कैन नॉट यूज इट विद अ वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्वालिटी के बारे में बात होगी तब यूज करेंगे, एक्शन ऑफ द वर्ब में नहीं यूज। एग्जांपल मान लो, दिस फ्लेवर्स स्मेल स्वीटली, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको। आप इसको लिखोगे दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट, एलवाई नहीं लगेगा, ठीक है, ये हो गया रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, ये बहुत एक कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये मैंने तो, मैं जब मैं फाइनल रिवीजन कराता हूँ तो मैं उसमें रूल पे बहुत ज्यादा लाइक आई यूज टू पे मोर अटेंशन टू दिस। इन सारे वर्ड्स के साथ, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रेफर, इसके बाद क्या लगेगा? ठीक है, टू लगेगा बच्चों, इन सब के बाद क्या लगता है? टू लगेगा ही लगेगा। मेजरली इफ द स्टूडेंट यूज देन, THEN, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग, रॉन्ग। आप देन लगाओ, कहानी खत्म, ठीक है। यूज टू, ठीक है ना, इनके बाद रमन इज जूनियर टू मी, आई प्रिफर टी टू कॉफी। सर स्क्रीन पूरी विजुअल नहीं है, ठीक है, आई थिंक योर इंटरनेट माइट बी स्लो। सर पूरा जूम दिख रहा है,
Everything is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई जिसका नहीं है उसको रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? रूल नंबर थ्री पे आते हैं बच्चों, फॉर कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। जब मान लो आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया था, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो कौन सी डिग्री यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाया हुआ, टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स। तो पढ़ के समझ में आ जाएगा, अगर तुमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स तुमने पढ़ी है तो मैं बताया तीन तरीके की डिग्री बताई थी सर ने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पर यार यहाँ तो अच्छा देखो, मान लो शॉर्ट है, छोटे रास्ते को क्या बोलेंगे? शॉर्ट, शॉर्टर। और तीसरी डिग्री क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट होगी कि नहीं? यस सर। ठीक है, तीन फॉर्म हो गई। अब देख, तो शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स, दोनों में छोटा, और यहाँ पे ये यूज कर रहा है किसका फॉर्मेट? सुपरलेटिव का। तो ये तो गलत हो गया, टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूज कर दी इसने सुपरलेटिव, पर होगा कंपैरेटिव यूज। ठीक है, क्लियर हो गया? रूल नंबर थ्री इज क्लियर, ठीक है? अब एक बहुत कॉमन एरर आता है जो मेजरली बच्चे करते हैं, शी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर। भाई एक बात बताओ, शी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, अब वो स्ट्रॉन्गर है तो वो स्ट्रॉन्गर है ना, मोर या मोस्ट क्या होता है बताओ? बात समझ में आ रही है? इफ शी इज स्ट्रॉन्गर, इफ आई एम स्ट्रॉन्गर तो आई एम स्ट्रॉन्गर, मोर या मोस्ट लगाने का लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर तो फिर भी रहेगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज है, तो शी इज स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, इस तरीके से आप इसका यूज करोगे। दिस स्टेटमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे मोर का यूज इज रॉन्ग। तो एरर में व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन, तो तुम्हें दिमाग देखो, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, बिकॉज तुम इतनी क्लासेस कर चुके होगे, प्रैक्टिस इनफ कर चुके होंगे। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो पुराना बच्चा बैच का, जो कि ग्रामर पढ़ने के बाद उसको पेपर में मजा ही आ गया है, कोई जिसने इस बार एग्जाम दिया था इंग्लिश में कुछ ईजी लग रहा था चीजें बताओ? अभी नहीं कोई था, शिवम है यहाँ पे? नहीं, आई थिंक चला गया। ठीक है, तो जब तुम पूरी ग्रामर पढ़ लोगे, तुम प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लोगे, 10 साल के पेपर वगैरह खत्म कर लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल सी कि एग्जाम इज वेरी इजी, क्योंकि आपने, आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है क्या कहानी करनी है। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं दो दो चीजें, रूल नंबर पांच पे आते हैं बच्चों, फार्दर एंड फर्दर, इन दोनों का अलग मतलब होता है। फार्दर रेफर्स टू टू और एड बाई अ ग्रेटर डिस्टेंस। फार्दर यानी जो कोई चीज बहुत ज्यादा, इसका फादर का रिलेशन ही डिस्टेंस है, बाय अ ग्रेटर डिस्टेंस। इट इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू वन व्हिच वन ऑन व्हिच वन थिंग और पर्सन बिकम डिस्टेंट फ्रॉम अनदर। इसमें एक चीज दूसरे से अलग हो जाती है। फर्दर यानी इन एडिशन टू समथिंग, फादर यानी दूरी के बारे में बात कर रहा है, इस तरीके से याद करना, और फर्दर यानी कि इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, additional to what already exists or what has already taken place. जैसे example से समझाता हूँ, Bombay is further from Delhi than Agra. क्या ये सही है? No. गलत। Further होता है use in addition के लिए। Farther होगा यहाँ पे। Bombay is farther than Delhi, farther from Delhi than Agra. Distance के बारे में बच्चों बात हो रही है। Thailand is divided into 76 provinces, which are farther divided into 800 districts. अब यहाँ भाई ये distance डिवीजन की बात हो रही है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, 76 प्रोविंसेस को तोड़ रहा है, तो इन एडिशन टू आएगा ना, इन एडिशन में क्या यूज करते हैं? फर्दर यूज करते हैं, तो यहाँ फर्दर का यूजेज गलत हो गया, तो यहाँ पे नीचे वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब आता है मच एंड मैनी का सही यूज करना। मच आप यूज करोगे जब आप अनकाउंटेबल नाउन चीजों के बारे में बात करें, जिन्हें गिना ना जा सके। मैनी यूज करोगे जब आप गिन सकते। यू हैव मच बुक्स, एक बात होता है तुम्हारे कमरे में कितनी किताब होगी, ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400, गिन सकते हो ना उनको। ऐसा तो नहीं कि अनकाउंटेबल है, भरी पड़ी है, पूरा घर भर रहा है, नहीं। तो यू हैव मैनी बुक्स, काउंटेबल है। मैनी काउंटेबल के केस में यूज करोगे, आई हैव मैनी वर्क टू डू, ये क्या लॉजिक होता है? आई हैव मैनी वर्क टू, आई हैव मच वर्क टू डू, समझ गए? अब कितना काम है उसको, yes, sir. है ना? रूल नंबर 7 आता है लास्ट और लेटेस्ट के बीच का। लेटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे नया है, द मोस्ट रीसेंट। लेटेस्ट का मतलब होता है, एग्जांपल समझो,
which is the latest aircraft in Indian Air Force का inventory? कौन सा aircraft है जो latest है Indian Air Force? Rafael. Yes, sir. Rafael is the latest aircraft. And what was the last aircraft that was commissioned, which originated from Russia? Russian origin का सबसे last aircraft जो हमने acquire किया था वो कौन सा था बताओ? 230. 230 के बाद कुछ आया? नहीं अभी latest में Rafael आया. Rafael कहाँ का है? France का. France. ठीक है. तो tell me the latest, यानी कि सबसे सबसे latest, सबसे ताजी खबर सुनाओ भाई. Last यानी कि previous year, पिछले वाली कौन? तो incorrect है. Tell me the last news. प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. अगर जरूरत नहीं है तो मैं तो बोलने की. डोंट कीप ऑन ओपनिंग योर माइक प्लीज. ठीक है. यूज क्या यहाँ पे लास्ट एंड लेटेस्ट का अंतर समझ में आ गया? लास्ट यानी कि पिछला वाला और लेटेस्ट यानी कि सबसे सबसे रीसेंट. दिस इज द बेसिक कॉमन एग्जांपल. अब यूज करेंगे लेस एंड फ्यूअर. लेस कब यूज करोगे? व्हेन अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट. फ्यूअर यानी जब आप काउंटेबल. ठीक है ना. जैसे मान लो आई हैव लेस मनी देन यू. भाई कितना भी कम हो गिना जा सकता है ना. तो आई हैव फ्यूअर मनी देन यू यहाँ पे होगा. कम है तो गिन सकते हो ना. ज्यादा होगा तो कैसे गिनोगे बताओ? यस सर. कम अमाउंट ऑफ मनी को यू कैन काउंट पर ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी को यू कैन नॉट काउंट. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो इसका मतलब yes, अब आता है अगला. आता है क्वांटिफायर्स का यूज करना. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ऑल बोथ एंड हाफ. देखो पजेसिव के साथ लगते हैं. मान लो ही वेस्टेड इज ऑल वेल्थ. यहाँ पे आएगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ही वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ. ठीक है ना. है ना. तो इस तरीके से आपका करेक्ट यूजेज है. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है. ये मैंने बताया तुम्हें पहले भी. इस स्ट्रक्चर को दिमाग में इम्प्रिंट रखो. बाकी सारी चीजें विल फॉल इनटू प्लेस इफ यू नो द रूल्स. रूल नंबर 10 आपका आता है व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. ऊपर वाले बात हो चुकी है ना. और यूज पॉजिटिव डिग्री इन पॉजिटिव यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री रॉन्ग इन सच केसेस. जैसे मान लो शी इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग एवरी डे. ये गलत है भाई. She is growing stronger and stronger every day. ये होगा. अगला आता है rule. क्या that के बाद adjective लग रहा है फिर an लग रहा है फिर noun लग रहा है. इसमें I can't afford that a big car. ये गलत है. इसका होगा I can't afford. क्या होगा इसके हिसाब से rule याद रखना. ये पूरा 11 नंबर का आपको याद रखना. I can't afford that. That क्या है? रूल के अंदर है. बिग क्या है? एडजेक्टिव फिर ए और फिर आपका नाउन कार. इस तरीके से आप बनाओगे. समझ गए? ये वाला रूल याद रहना चाहिए तुम्हें. लेटर एल ए टी आर एंड एल ए डबल टी आर में भी भाई बच्चों अंतर होता है. ठीक है. एल ए टी आर एंड एल डबल टी आर में अंतर होता है. लेटर इज एन एडवर्ब related with time. It means for something to happen in future. Later कोई चीज बाद. I'll tell you later. मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यानी भविष्य में. later का मतलब होता है is an adjective which describes the second thing or person when we are talking about two things or two persons. जैसे example समझते हैं. Riya has two sisters, Reema and Rekha. The former is a doctor and later is a lawyer. तो यहाँ पे क्या use होगा? क्या use होगा? एडजेक्टिव वाला केस यूज होगा. LATTR वाला. तो रिया हैज टू सिस्टर्स रीमा एंड रेखा. द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड लेटर LATTR इज अ लॉयर. ये सही है. दिस इज करेक्ट बच्चों. इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसे मान लो आई एम थिंकिंग टू डू दिस वर्क लेटर या लेटर. भाई लेटर होगा ना. बाद में करूंगा यानी भविष्य काल में करूंगा. एज आई एम गोइंग फॉर अ मूवी नाउ. क्लियर? समझ में आई चीजें यहां तक? यस सर.